इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सबका खैर मकदम है। 20 जवानों के बदले टिकटॉक को बंद कर दिया, भारत सरकार का अजीब गरीब फैसला। वैसे तो मोदी हुकूमत इस तरह के फैसले लेने में माहिर है। जब 20 जवानों की शहादत पर पूरा मुल्क बदले की आग में सुलग रहा है तो चीनी फौजियों को मारकर अपना गुस्सा ठंडा करना चाहता है, पर भारत सरकार गांधी नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगी हुई है। हर मामले को किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना और अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना, अब तो यही मोदी सरकार का काम बन गया है और यह हर रोज की बात बन चुकी है। मीडिया किसी तरह से मोदी सरकार की नाकामी को छिपाकर पत्रकारिता कैसे चाटुकारिता में बदल गई है, इसकी दलील बार बार दी जाती है। यहाँ तक के फौजियों को ही नाकाम ठहराने की बात शायद ही मीडिया की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। और अब जबकि चीन 6 जगहों पर अब भी अपना कब्जा जमाए बैठा हुआ है, 20 जवानों की शहादत पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो टिकटॉक पर पाबंदी लगाकर बदला लिया जा रहा है। वजीर आजम मोदी और अंधभक्तों का काफिला सोशल मीडिया और टीवी के जरिए शंघाई बीजिंग तक पहुंचता रहता है। पीएम केयर के नाम से जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, वाजा रहे यह कोई सरकारी अकाउंट नहीं है और न किसी जांच के दायरे में आती है। ऐसे कई चीन की कंपनियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चंदा दिया है। पीएम केयर के नाम से उठाया चंदा किसी भी तहकीक के दायरे में नहीं आता, RTI के दायरे में भी नहीं आता। हासिल इत्तला के मुताबिक चीन की कंपनियां और मोदी हुकूमत के काफी गहरे ताल्लुकात हैं। वैसे तो चीनियों से बहुत कुछ लिया जा रहा है, अब पोल भी खुल रही है। कई सारी कंपनियां हैं जहां से पैसा पीएम केयर में लिया गया है चंदे के तौर पर, हुआई से 7 करोड़। जिस कंपनी का सीधा ताल्लुक चीनी फौजियों से, टिकटॉक से 30 करोड़, शाओमी से 15 करोड़, ओप्पो से करोड़ों रुपए, पेटीएम जिसमें तकरीबन 40% की हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की है, चीन के चीजों का बहिष्कार या पाबंदी की मांग की जाती है पर इन्हें बाजारों में आने की इजाजत तो मरकजी हुकूमत ही तो देती है। कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बार बार मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर खामोश बैठेंगे। जब पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियां करोड़ों रुपए बतौर चंदा देती है, सत्ता से सवाल करने पर कानूनी शिकंजे में फंसाने की धमकी दी जाती है, देशद्रोही तक साबित करने की बात कही जाती है, अगर अंधभक्त बनकर जी हुजूरी करेंगे तो बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा, पर सवाल यह उठता है कि इस तरह की हुकूमत से लोकतंत्र बच जाएगा क्या? आज अवाम खामोश रहने से देश तरक्की याफ्ता बनेगा क्या? देश विश्वगुरु बनेगा? भारत ने 20 जवानों की शहादत के बदले 50 से भी ज्यादा चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी है। चीन के तर्जुमान जहां वो लिजियान ने चीनी ऐप पर पाबंदी का सवाल किया तो डाटा चोरी की वजह बताई गई, लेकिन यह एकदम चीन भारत तनाजे के मद्देनजर लिया गया है। एक तरफ चीनी चीजों के लिए भारत का दरवाजा खोल देना, दूसरी तरफ बहिष्कार या पाबंदी की मांग करना, चीन से चंदा भी लेना, कहां कहां तक सरकार देश के आवाम को गुमराह करती रहेगी? आखिर क्या बात है कि चीन गलवान घाटी और 2 जगहों पर बैठा हुआ है और 20 जवानों की शहादत के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहा? आखिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा? सिंधबाद की तरह हमेशा सफर पर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में अकेले क्यों पड़े हुए हैं? कोई भी भारत को साथ देने के लिए क्यों तैयार नहीं? इसका मतलब यही होता है हर देश को जाकर प्रधानमंत्री तो आए पर हासिल कुछ नहीं हुआ है। अफसोस तो इस बात का होता है कि चाटुकार मीडिया मरकजी हुकूमत को घेरने के बजाय सवाल यह पूछती है कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर? जब गरीब जनता का खून हुकूमतें चूसने लगे तो समझो कि देश अपनी शनाखत खो रहा है, और ऐसे वक्त में आवाम को बेदार होकर गलत दिशा को सही रुख देना होगा। देश उम्मीद लगाकर बैठा है कि चीन से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, पर वजीर आजम मन की बात कुछ और ही कह जाते हैं। झूठ कभी सच्चाई की जगह नहीं ले सकता, वक्ती तौर पर तो कामयाब नजर आएगा पर हमेशा नहीं। जुमलेबाजी हमेशा कामयाब नहीं हो सकती और यही सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।